जातगणनेवरून निघालेला जातीचा वाद आता हक्कभंगाच्या प्रस्तावापर्यंत पोहोचलाय. ज्याच्या जातीचा पत्ता नाही तोच जात जनगणनेवर बोलतोय असे शब्द भाजपच्या अनुराग ठाकूर यांनी वापरल्यानं हा वाद सुरू झालाय. पाहूयात. जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है. जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे. ज्याच्या जातीचा पत्ता नाही तो जात गणनेवर बोलतोय या भाजप खासदार अनुराग ठाकूरांच्या विधानाचा वाद आजही सुरू आहे. काँग्रेसच्या टीकेनंतर लोकसभा अध्यक्षांनी ठाकूर यांच्या भाषणातले काही संदर्भ हटवले होते. मात्र अनुराग ठाकूरांचं पूर्ण भाषण नरेंद्र मोदींनी आपल्या एक्स हँडलवर शेअर केलंय. त्यावर मोदींनी म्हटलं की हे आमच्या तरुण सहकाऱ्यांचं प्रभावी भाषण नक्की ऐकलं पाहिजे. तथ्य आणि विनोदबुद्धीचं मिश्रण भाषणात दिसतं. त्यांनी भाषणातून विरोधकांच्या घाणेरड्या राजकारणाचा पर्दाफाश केलाय. याबाबत नरेंद्र मोदींच्या विरोधात काँग्रेसनं हक्कभंगासाठी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र दिलंय. लीडर ऑफ प्रोपगंडा ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है. अब ससंधि है. ठीक है. असत्य निराधार. जी सर. जी उसके ठीक है. निराधार है सर. ओबीसी की बात, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है. माननीय सभापति, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है. जिसकी जात का पता नहीं गन्ना की बात करता है. स्पीकर सर, देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे. धन्यवाद. अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें. आप चुप रहे सर. जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है. और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा. ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता. मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है. मैं लड़ाई लड़ रहा हूं. जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा. मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए. राहुल, जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे. खत्म. आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे. प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडम करता हूँ. कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए मोदी जी को कहाँ बोलना, किसको डिफेंड करना, कौन सी बात देश के लोगों को सिखाना वो कहना चाहिए. वो सब छोड़ के वो आग लगाने की बात ही करते हैं. तो ऐसे इस बात के हम कंडम भी करते हैं. ऐसी बातों को पार्लियामेंट में अलाउ भी नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपंज करना चाहिए. दरम्यान काँग्रेस यावरून आक्रमक आहे, तर दुसरीकडे जात गणना झाली तर जात तर सांगावीच लागेल असं उत्तर भाजपच्या संबित पात्रा यांनी दिलंय. आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसी पूछी जा सकती है? मतलब ये धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है. अरे सदन भी पवित्र है, देश भी पवित्र है. आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाति पूछना ये इंसल्ट है, तो गणना कैसे होगी आप ये बता के दिखाइए. चले जाइए रामचेत मोची के पास, वो बताएगा राहुल गांधी की जात. चले जाइए रामेश्वर सब्जी बेचने वाले के पास. चले जाइए निर्भया की माँ के पास. चले जाइए हाथरस की गुड़िया के परिवार के पास. चले जाइए तमाम शहीद अग्निवीरों के परिवार के पास. चले जाइए इस देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी लोगों के पास. वो आपको राहुल गांधी की जात बता देंगे. और जातिगत जनगणना हर कीमत पे होके रहेगी. आप कुछ भी कर लीजिए, जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 मराठी.
हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।